हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण दा। मैं आज बताने वाला हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में दोस्तों ये किया जाता है इंस्पेक्शन करना, टेस्टिंग करना, एवोल्यूशन करना, मेटल का अंदर सरफेस में कुछ मिस्टेक है, डिसकंटिन्यूटी है, वहां ऊपर सरफेस में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है पर डिसकंटिन्यूटी है, उसको पता करने के लिए बिना तोड़े हुए, बिना काटे हुए, बिना फ्रैक्चर करे हुए, बिना कुछ करे हुए जो टेस्ट किया जाता है उसको एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहलाता है। दोस्तों इस टेस्ट के लिए बहुत रकम प्रोसेस होता है, सबसे ज्यादा जो यूजफुल होता है जिस प्रोसेस के अंदर, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग एंड फेब्रिकेशन सेक्शन एंड कास्टिंग सेक्शन, बेंडिंग सेक्शन, इस सेक्शन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, जैसा कास्टिंग से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है, दोस्तों ये कास्टिंग का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, दोस्तों ये भी कास्टिंग का बना हुआ है लेकिन मशीन से टर्निंग करा हुआ है सरफेस, दोस्तों ये बेंडिंग करा हुआ है, दोनों पार्ट को लैप ज्वाइंट करके, बट ज्वाइंट करके ज्वाइंट करा हुआ, बेल्डिंग का वर्ल्ड दिखा रहा है, इसमें हम कास्टिंग करके आपको दिखाएगा। दोस्तों ये एक सुपर फिनिश ऑब्जेक्ट है, फ्लैंज है, इसके अंदर हम टेस्ट करके देखेगा जिसके अंदर डिफेक्ट है कि नहीं। दोस्तों सब कुछ करने के पहले मैं बता देता हूं, जो एनडीटी होता है उसको बहुत टाइप से एनडीटी किया जाता है। सबसे पहले मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, ड्राई पेनेट्रेशन बा लिक्विड पेनेट्रेशन टेस्ट, रेडियोग्राफी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टेस्ट, विजिबल टेस्ट, लेजर टेस्ट, लीक टेस्ट, इंस्पेक्शन टेस्ट। दोस्तों इतना टाइप्स ऑफ टेस्ट किया जाता है लेकिन सबसे ज्यादा जो यूजफुल है वो है डाई पेनेट्रेशन टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट एंड अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ये तीनों टेस्ट जो है सरफेस के ऊपर किया जाता है, अलग अलग केमिकल यूज किया जाता है। दोस्तों आज जो बताने वाला हूं जो टेस्ट का नाम है ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट, लिक्विड पेनेट्रेशन टेस्ट। दोस्तों ये टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तीन केमिकल का यूज होता है। सबसे पहले होता है जो दोस्तों उसको मैं दिखा रहा हूं, जिसका नाम है सॉल्वेंट रिमूवर। एक दोस्तों एक क्लीनर है, जो भी प्रोडक्ट का टेस्ट करना है उसको सबसे पहले क्लीन सरफेस क्लीन करना होता है, उस कोई भी डस्ट, ग्रीस, ऑयल, डीट, कुछ भी टाइप्स ऑफ आयरन छोड़ के कोई भी मेटल उसके आसपास में नहीं होना चाहिए, सरफेस टोटली स्मूथ होना चाहिए, तभी पता लगेगा हमारा टेस्ट के अंदर क्या रिजल्ट है। दोस्तों उसके लिए हमारे पास ये केमिकल है, जो केमिकल को यूज किया जाता है क्लीनिंग पर्पस के लिए। इसके बाद 200 सेकंड जो केमिकल यूज होता है जिसका नाम है पेनेट्रेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट के लिए पेनेट्रेंट। ये पेनेट्रेंट यूज करते बराबर जहां उसका क्रैक है वो क्रैक के अंदर हमारा पेनेट्रेंट अंदर हो जाएगा, उसके बाद उसको रिमूव किया जाता है, उसके बुकला कहलाता है डोल टाइम। हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर टेस्ट के लिए एक फिक्स डोल टाइम होता है, वो डोल टाइम तक उसको छोड़ दिया जाता है, जितना अंदर जाना है, जितना मटेरियल उसका खाली जगह में पहुंचना है, क्रैक होगा बा कैविटी होगा, वो कैविटी के अंदर चला जाता है, उसके बाद उसको क्लीनिंग करने के बाद हम टेस्ट किया जाता है। उसके बाद यूज किया जाता है दोस्तों जिसका नाम है डेवलपर, डेवलपर अलग अलग और डेवलपर होता है। तो ये तीन केमिकल यूज करके जो टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है ड्राई पेनेट्रेंट टेस्ट। दोस्तों मैं इसके बाद सबसे पहला हमारा जो काम है, चार ऑब्जेक्ट हमने रखा दोस्तों, एक कास्टिंग करके बना हुआ है ऑब्जेक्ट है, कास्टिंग करके बना हुआ दोस्तों एक सेक्शन है, इसके अंदर हम देखेगा कि कास्टिंग में क्या क्या डिफेक्ट होता है, क्या क्या एयर होल होता है वो दोस्तों बताएगा। उसके बाद हम बताऊंगा जी कास्टिंग करने के बाद, कास्टिंग करने के बाद, मशीनिंग करने के बाद जो ऑब्जेक्ट निकल के आता है उसमें क्या डिफेक्ट होता है, कास्टिंग का डिफेक्ट है कि टर्निंग का डिफेक्ट है वो टेस्ट करके बताऊंगा। उसके बाद बेल्डिंग के अंदर जो डिफेक्ट है वो करके बताऊंगा। उसके बाद एक सॉलिड मेटल है जिसके अंदर कोई क्रैक नहीं है मुझे लग रहा है, उसको भी हम टेस्ट करके बताऊं। सबसे पहले दोस्तों जो यूज किया जाता है वो है क्लीनर, सरफेस सबसे कॉटन कपड़ा यूज होता है, कॉटन कपड़ा से मैंने सबसे पहले उसको क्लीन किया जाता है दोस्तों। ये हमने क्लीन कर दिया, ये हमने क्लीन कर दिया, इसके बाद ये हमने क्लीन कर दिया, इसके बाद दोस्तों ये भी हमने क्लीन कर दिया। सबसे पहले प्री टेस्ट के पहले कॉटन कपड़ा से दोस्तों पूरी साफ किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यूज करना है क्लीनर, क्लीनर जो भी सबस्टिक क्लीनर है उसको क्लीनर से क्लीन यूज किया जाता है दोस्तों। हम उसको क्लीनर यूज कर दिया, क्लीनर यूज करने के बाद उसको डोल टाइम जो भी है 2-4 मिनट तो रखना है, उसके बाद फिर उसको क्लीनिंग करना पड़ता है दोस्तों। हमने फिर क्लीनर यूज करके बाद दूसरा बार हम इसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके अंदर कुछ भी मटेरियल इसके अंदर है वो ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगा,
ये हमारा बिल्डिंग का पार्ट्स है, बिल्डिंग पार्ट मैंने टोटल साफ कर दिया, ये हमारा बिना ऑब्जेक्ट है उसको हमने टोटल साफ कर दिया। इसके बाद दोस्तों मैं बता रहा हूं, इसके बाद जो यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल है जिसका नाम है पेनेट्रेंट, पेनेट्रेंट हम यूज कर रहा हूं, प्लेंटेड इसको सावधानी से यूज करना होता है, इसको हल्का सा मैंने दोस्तों हमने इसको पेनेट्रेंट यूज कर रहा हूं। दोस्तों हमने पेनेट्रेंट यूज कर दिया, हमारा जो टाइमिंग पीरियड है अप्रोक्स 5 मिनट्स है। दोस्तों 5 मिनट के बाद जितना इसके अंदर कैविटी है वो कैविटी के अंदर पेनेट्रेंट पहुंच जाएगा, पहुंचने के बाद उसके बाद फिर हमको रिमूव करना है मैक्सिमम मटेरियल, जो पेनेट्रेंट मटेरियल है उसको रिमूव करना है। पेनेट्रेंट मटेरियल रिमूव होने के बाद हमारा यूज करना है डेवलपर। दोस्तों मैं इसके बाद फिर दिखाने वाला हूं ये कैसे होता है। हेलो दोस्तों, 5 मिनट के बाद पहला काम होता है जितना पोर्शन हमने पेनेट्रेंट यूज किया उसको स्मूथली साफ करना। दोस्तों एक एक करके मैं साफ करके बताता हूँ। ये हमने क्लीनिंग कर दिया, एक कॉटन कपड़ा यूज करके हमने टोटल पोर्शन को साफ करने को, जितना पेनेट्रेंट अंदर जाना चाहिए था दोस्तों अंदर चले गया, जो बाहर वाला पेनेट्रेंट दिख रहा है उसको टोटली रिमूव करना होता है। हमने टोटल रिमूव कर दिया, ये हमारा बिल्डिंग वाला पार्ट है इसको टोटल रिमूव कर रहा हूं, ये साफ करने के लिए दोस्तों कॉटन का कपड़ा ही होना चाहिए, कॉटन ही बेस्ट है। इसके बाद हमारा कास्टिंग आफ्टर टर्निंग वाला पार्ट है, कास्टिंग करने के बाद उसको टर्निंग करके जो ऑब्जेक्ट बनाया गया उसमें हम टेस्ट करके देख रहा हूं जो मिस्टेक किसके अंदर है। दोस्तों एकदम क्लीन साफ होना चाहिए, इसके अंदर मिस्टेक रह जाए तो आपका आगे जाके बहुत डिफेक्ट ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा कास्टिंग पार्ट है, ये कास्टिंग पार्ट्स को हमने टोटली रिमूव कर रहा हूँ, इसमें कॉटन कपड़ा से सूखा कॉटन कपड़ा यूज करके हम टोटली रिमूव कर रहा हूँ। और फ्रेश कपड़ा यूज करके हम कोशिश कर रहा हूँ और मैक्सिमम हमारा जो पेनेट्रेंट है वो मैक्सिमम पेनेट्रेंट बाहर हो जाए, जिसमें हमारा डेवलपर यूज करते बार हमको पता लग जाएगा इसके अंदर मिस्टेक कहाँ है। दोस्तों हमने टेस्ट करने के लिए हमारा दो जो केमिकल है दोस्तों दो केमिकल का हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है, अल्टीमेटली क्या होता है दोस्तों, जो ये प्रोसेस में काम करता है उस प्रोसेस का नाम है कैपिलरी एक्शन। जहां वो लीकेज मिलेगा, जहां वो कैविटी मिलेगा, धीरे धीरे ये पेनेट्रेंट धीरे धीरे अंदर तरफ जाते रहेगा, यही प्रोसेस होता है जिसका नाम है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन प्रोसेस में ही ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट किया जाता है। दोस्तों इसके बाद हमको यूज करना है जो लास्ट हमारा केमिकल है जिसका नाम है डेवलपर। दोस्तों डेवलपर यूज करने से पहले सबसे पहले उसको 2-3 मिनट तक सेक कर लेना चाहिए, हिला लेना चाहिए, उसके अंदर जितना भी लिक्विड है वो यूनिफॉर्म कन्वर्ट हो जाए। दोस्तों जब भी टेस्ट करना है डेवलपर को 100% उसको सेक कर लेना चाहिए। दोस्तों इसके बाद मैं डेवलपर यूज कर रहा हूं, दोस्तों हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया है। दोस्तों ये आपके सामने है, ये हमारा कास्टिंग प्रोडक्ट है जिसको चारों साइड से कलरफुल दिखने लगा है, व्हाइट रेड, मतलब इसका कास्टिंग डिफेक्ट है जो एयर होल कहलाता है। ये एयर होल आपके सामने आ गया, जो हमारा एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट था कास्टिंग करा हुआ उस प्रोडक्ट से हमने इसको दिखाया तो बहुत ज्यादा डिफेक्ट दिख रहा है। दोस्तों हमारा जो टर्निंग वाला पार्ट से दोस्तों उसके अंदर डिफेक्ट नहीं बराबर है, एक जगह दिख रहा है सर दोस्तों, यहाँ होल दिख रहा है जहाँ कास्टिंग डिफेक्ट है, जहाँ कास्टिंग का मटेरियल प्रॉपर तरीके से स्लैग जम गया, स्लैग की वजह से उसका कुछ मटेरियल बाहर हो गया जिसके वजह से उसका थोड़ा सा डिफेक्ट दिख रहा है दोस्तों, नहीं तो दैट इज ओके कंडीशन है। नेक्स्ट जो है हमारा बिल्डिंग पार्ट्स, दोस्तों बिल्डिंग पार्ट हमारा परफेक्ट है,
वेल्डिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी लाइन नहीं दिख रहा है, मतलब हमारा वेल्डिंग जो है वो एकदम 100% सही है, उसके अंदर कोई भी कैविटी नहीं बना है। चौथा नंबर पार्ट्स जो है वो है हमारा नॉर्मल पार्ट्स है, 100% सही है, इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट दोस्तों नहीं है। इसी कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भेजिए, वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू तरुण। दोस्तों लास्ट में और पास से दिखाने की कोशिश करता हूं ये वीडियो को, जो आपको और अच्छा से पता लगेगा जो हमारा वीडियो में क्लियरिटी कितना है। दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जो डिफेक्ट पोर्शन रेड डॉट जो दिख रहा है दोस्तों, उसका नाम है कास्टिंग डिफेक्ट, रेड डॉट। उसके बाद दोस्तों हमारा ये जो ऑब्जेक्ट आपके सामने दिख रहा है, इसके अंदर एक ही मिस्टेक है दोस्तों, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मिस्टेक है जो हमारा कास्टिंग डिफेक्ट है। दोस्तों ये हमारा वेल्डिंग का ऑब्जेक्ट है जिसमें से कोई भी मिस्टेक नहीं है, हमारा वेल्डिंग जो पार्ट्स है 100% सही है। इसका ऑपोजिट देखिए दोस्तों, ये वेल्डिंग है, ये हमारा ऑपोजिट साइड हमने वेल्डिंग टेस्ट किए हूँ जिसमें एकदम मिस्टेक नहीं दिख रहा है दोस्तों। इसके बाद हमारा एक फ्लांच है जो फ्लांच के अंदर नॉर्मली मिस्टेक होना नहीं चाहिए था, लेकिन दोस्तों इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। थैंक यू दोस्तों, मेरा नाम तरुण सामंत है।